मैं आप लोगों से बार बार हर जगह हर बात पे थैंकफुल करने की गुजारिश रिक्वेस्ट प्रे करता रहता हूँ। हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ कि आप हर उस काम के प्रति थैंकफुल हो जाओ, आप हर उन परिजनों के लिए थैंकफुल हो जाओ, आप हर उस दोस्त के लिए थैंकफुल हो जाओ, आप हर एक उस पर्सन के लिए थैंकफुल हो जाओ, आप हर एक उस वस्तु के लिए थैंकफुल हो जाओ, आप हर एक उस प्लेस के लिए थैंकफुल हो जाओ, आप हर उस एक चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाओ जिसने आपके लाइफ में कुछ ना कुछ करा है, दिया है, आपका साथ दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इन सारी चीज़ों को ब्लेस नहीं करोगे, थैंकफुल का मतलब है ब्लेस करना, उनको उनकी अहमियत देना, उनको आशीर्वाद देना, अपनी लाइफ में उनका एक सम्मान करना, ये सारी चीज़ों को जब तक आप डीपली एक अंदर इसको नहीं बैठा लोगे तो आप ना अपने प्रति कुछ कर सकते हो ना दूसरे के प्रति कुछ कर सकते हो। ये चीज़ें आई डोंट नो कि कौन आपको बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत डीप है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप इनको फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे डीपली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हमारी लाइफ में आप एक गहनता से विचार करके देखो कि हम अकेले चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर पथ हर डगर हर जगह हर रास्ते पर हमें किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। आप एक अननोन प्लेस पर जा रहे हो तो आपको एक GPS की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई भी आपको नहीं है कि कैसे GPS के माध्यम से हम अपना रास्ता पूछ सकते हैं। तो उस रास्ते को पूछने के लिए अगर आप एक मोबाइल का एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट के पीछे कितने लोग हैं, किसने ये बिछाया है, किसने हमें उसको चलाने के लिए यूज़फुल करा, वो इंटरनेट हमसे कैसा आया, वो पैसा कहाँ से आया, आप एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर थैंकफुल हो जाओ हर चीज़ के लिए। ये जो यूनिवर्स है, इसने जो सारी चीज़ें दी हैं, हमें इतना अच्छा प्लेनेट दिया, इतनी अच्छी अर्थ दी है, पूरी ऑक्सीजन से भरी हुई है, हमारा जो शरीर है, ये जो जहाज है, उन सारी चीज़ों से बना हुआ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एलिमेंट जो भी चीज़ें हैं इसमें लगी हुई, सब चीज़ के लिए दिल से ब्लेस हो जाओ, ब्लेसफुल हो जाओ, सबको आशीर्वाद दो, सबको धन्यवाद की भावना से दो, अपना ग्रेटिट्यूड पास करो। जैसे जैसे ये ग्रेटिट्यूड आप दूसरों को पास करोगे, आपके अंदर करुणा भरती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जब ये आप करुणा से भरपूर हो जाओगे तो आपके पास में ऐसा कोई स्पेस नहीं बचेगा आपके अंदर में कि जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो या उसमें रह जाएगी। जब नेगेटिविटी आपके पास में नहीं रहेगी तो देखिए आपके अंदर से क्या निकलेगा, सिर्फ ब्लेसिंग, सिर्फ दूसरों के प्रति आभार, प्यार, आप सारी चीज़ों को प्रकट करोगे जो दूसरे के प्रति अच्छी हैं। आपके अंदर की जो नकारात्मकता है सब दूर चली जाएगी, आप उस फेज में आ जाओगे कि हाँ कि मैं आज तक जो इन सारी चीज़ों के पीछे लड़ता था कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, उसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरा ये ख़राब कर दिया, उसने मेरा वो काम बनने से छोड़ दिया, जब आप इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करोगे अपनी रियल टाइम में 3D वर्ल्ड की जो आपकी लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो डेली बेसिस पे रैपिडली इम्प्रूव होता चला जाएगा। आप जो पीछे चीज़ें कर चुके हो उनको अभी तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपको भोगनी है, वो तो लेसन आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, लेकिन इसके साथ साथ में आप ये जरूर कर सकते हो कि आने वाला जो फ्यूचर है या जो आज जो चल रहा है आप उसमें बहुत संभल कर रह जाओगे, तो उसमें आप कुछ भी ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगले जो थॉट हैं, जो विचार शेयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आप हमारे प्राचीन कहना चैनल को विजिट कर रहे हो। इसके साथ साथ में आप नीचे कोई क्वेरी है कुछ है तो नीचे शेयर कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए आपको कुछ अगर अच्छा चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पेरेंट्स की वजह से मिल जाएंगी, उनके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आप मटेरियलिस्टिक लेवल पर अर्न कर लोगे, लेकिन क्या आप उनको भोग सकते हो या जिस हिसाब से आप भोग रहे हो क्या वो 100% सही तरीका है? जी नहीं, आप उसको किसी भी एक चीज़ को और बेटरमेंट के लिए करते जाते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा नेचर, यूनिवर्स। आप इसको देखो, ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आपके साथ में लाते रहता है। सारी चीज़ें इतनी सिस्टमेटिकली बनाई हुई है कि डेली कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा। आप यूनिवर्स में जाकर देखोगे, हम तो शायद नहीं देख सकते इस बॉडी के साथ में, हाँ जब हम एक मेडिटेशन के तौर पर जाते हैं तब हम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अपनी इतनी औकात नहीं है कि एक रॉकेट में जाओ, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट करते हैं, बट स्टिल जो हम एक तरीका है जो एक मेडिटेशन के माध्यम से या स्पिरिचुअल वे में हम इसको जान सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब इस सब से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये विशाल है, ये हर जगह हर रैपिडली अपने आप को चेंज करता है और हमें ब्लेस करता रहता है।
जिसने जो मांगा उसको उस हिसाब से प्रभावदारी बनकर कुछ ना कुछ देता रहता है। बस आपको हर चीज़ के प्रति थैंकफुल होना है। अगर आज आपने खाना खाया, खाना कहाँ से आया, उसको प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर ने कितनी सारी चीज़ें की, उसके अंदर कितना पानी, उस जो सीड थी, जो बच्चा था, जो एक प्लांट था, उसमें डाला गया, मतलब आप एक एक छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज करके देखोगे ना, तो आपका पूरा दिन थैंकफुल में गुजर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे दिन थैंकफुल मत करो, मैं तो बस एक चीज़ को एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों पर जाके जब इसको कंसिडर करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो बस इसी चीज़ में रह रहा था कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, लेकिन नहीं। जब आपके अंदर से मैं निकल जाएगा, जब आप सच में इन सारी चीज़ों को रियलाइज करोगे, तो चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें ऐसे लगने लगेंगी कि हाँ, अब मुझे लाइफ में जीने का मज़ा मिल रहा है। तब आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पर्सन की, जो पर्सन आपको धमकाता होगा कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती। आपको उस पर्सन की बहुत सपोर्ट पड़ेगी जो आपको सच में ग्रेटिट्यूड देता है, या आपको उनसे ग्रेटिट्यूड की आशा रहती है, जो आपके वेलफेयर के लिए बात करता है, जो आपके फेयर प्ले की बात करता है, जो आपको सारे बकवास की बात नहीं करता कि कैसे तू उधर देख, मैं पीछे से छुरा घुसूंगा, तू उधर एक तरफ कर तो सही, मैं पीछे से तेरी टांग खींचूंगा। क्योंकि इन सबसे बचाने के लिए आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो करुणा से भर जाता है, वो आपके हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, आपका मन शांत रहना स्टार्ट कर देता है, नेगेटिविटी नहीं आती, तो हमारा जो एक अग्नि तत्व है वो एक बैलेंस रूप में रहना स्टार्ट कर देता है। जब ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं तो हम पहले से ज़्यादा बहुत प्योर हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से चीज़ें रैपिडली चेंज हो जाती है। बस इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बोर नहीं करूँगा, लेकिन ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप कि आप सब लोगों को इस पर वजन डालना चाहिए, थोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।